मेरे YouTube चैनल शेखर ट्रैवल प्लस ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। पीछे लगे हुए बोर्ड देखकर आप पहचान गए होंगे कि हम आपको कहां लेकर आ जाए हैं। सही पहचान रहे हैं दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं बनारस के राजा हरिश्चंद घाट, जो यहां के शमशान घाटों में से एक है। और ऐसी मान्यता है कि यहां दाह संस्कार होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। और इस घाट की पौराणिकता यह है कि यहां पर जो बनारस के मिथिकल राजा हरिश्चंद थे, वो काम करते थे, उनका राजपाट था। एक बार ऐसा हुआ कि विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा मांगी तो उन्होंने अपना पूरा राजपाट उनको दान कर दिया, और उसके बाद वो इस घाट पर काम करने लगे। और अपने न्याय और सत्यनिष्ठा के लिए वो विख्यात थे, और उनकी पत्नी और बेटा भी उनसे बिछड़ गए, रानी तारामती और बेटा रोहित बिछड़ गए। और जब बेटे रोहित की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी उसके दाह संस्कार के लिए घाट पर आई, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो शुल्क लगता है वो देना पड़ेगा, भले ही तुम मेरी पत्नी क्यों ना रही हो, ये मेरा बेटा क्यों ना हो। तो ये उनकी न्याय और सत्यनिष्ठा थी, और उनकी इस निष्ठा से प्रसन्न होकर उनको पूरा जो राजपाट और जो भी चीज़ें थी सब लौटा दी। तो ये है, देखिए पीछे आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि लकड़ियाँ ये लाई जा रही हैं जलाने के लिए, दाह संस्कार के लिए, और दाह संस्कार होते भी आपको दिख रहे होंगे। उसके लिए ये बना है स्टील का स्ट्रक्चर फ्रेम, और उसके अंदर रख के दाह संस्कार किया जाता है। पीछे माँ गंगा दिख रही हैं। दाह संस्कार के पश्चात प्रथा है गंगा स्नान की, तो लोग गंगा स्नान कर लेते हैं गंगा जी में। और ये लोग बैठे हुए जो हैं वो परिजन हैं, जिनका दाह संस्कार हो रहा है वो प्रतीक्षा में हैं कि कब ये पूरा हो जाए, तब वो आगे की प्रक्रिया करें और वापस जाने का उपक्रम करें। जाड़े की धूप है तो लोग धूप भी खा रहे हैं घाटों पर, और पतंग उड़ा रहे हैं। आपने पतंग उड़ते देखी है, बच्चे देखिए पतंग लिए हुए उड़ा रहे हैं। और ये कुछ सैलानी भी यहाँ घूम रहे हैं जो पीछे के घाटों से आए हैं। इसके जस्ट पीछे जहाँ से ये लोग आए हैं केदार घाट है, और आप जानते हैं कि बनारस में पक्के घाट हैं जो अद्भुत हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। और घाटों की संख्या जो 84 थी, अब नए घाट बनने से बढ़कर 102 हो गई है। नए नए बड़े अच्छे घाट बन गए हैं, जिसमें संत रविदास घाट जहाँ से क्रूज चलती है, वो हम अपने पिछले ब्लॉग में आपको दिखा चुके हैं। यदि आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पर जाइए, जिसमें हमने क्रूज का विवरण दिया है संत रविदास घाट से। और दूसरे छोर पर जो नया घाट बना है, नमो घाट, या जिसको खिड़किया घाट भी कहते हैं, वो है अत्याधुनिक स्मार्ट घाट बना है। और उसके बाद है आदि केशव घाट, जहाँ पर घाटों की श्रृंखला समाप्त होती है, और वहाँ पर होता है गंगा और वरुणा का संगम, जो कि हम आपको दिखा चुके हैं अपने पुराने ब्लॉगों में। हमारे चैनल पर सब जानकारियाँ आपको मिलेंगी बनारस की। चैनल पर बने रहिए, सभी ब्लॉग देखिए, अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अभी जो आपको फ्रेम में ये दिख रहा है, ये है CNG क्रिमेशन की फैसिलिटी। लकड़ी बहुत ज़्यादा कटने से पर्यावरण को नुकसान होता है, जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, तो यहाँ पर CNG से भी जलाने की सुविधा है। पीछे जो भवन था उसमें CNG से लोग जलाने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेशी पर्यटक भी दिखे आपको अभी। और घाट देखिए बनाया भी जा रहा है, इसमें नए पत्थर लग रहे हैं, बाएं तरफ अभी था। और ये जो स्तंभ दिख रहा है, इसमें हरिश्चंद घाट का विवरण दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और पीछे एक पोस्टर भी लिखा है, ये देखिए, ये हरिश्चंद घाट का विवरण।
तो घाटों का कायाकल्प चल रहा है लगातार, और बनारस को एक बहुत ही साफ़ सुथरा सुंदर शहर बनाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पर G20 की बैठकें होनी हैं और SCO की बैठकें भी होनी हैं, तो शहर को सजाया संवारा जा रहा है जिससे आगंतुकों को एक अच्छी छवि मिले। देखिए इधर मैं कह रहा था, यहाँ पर जो है नए पत्थर लगे हैं, बनाया जा रहा है घाट को, सुधारा जा रहा है। और ये यहाँ पर भी देखिए, ये गंगा आरती सरी का आयोजन यहाँ भी होता है, एक मंच भी बना हुआ है। और इधर पत्थर देखिए रखे हुए हैं जो नव निर्माण में प्रयुक्त हो रहे हैं। पीछे देखिए माँ गंगा दिख रही हैं, गंगा में नावें दिख रही हैं, सैलानी दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। और ये हरिश्चंद टेम्पल भी है यहाँ पर, राजा हरिश्चंद जी की स्मृति में। इसमें हरिश्चंद जी, उनकी पत्नी तारामती और बेटे रोहित की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। देखिए महाराजा हरिश्चंद टेम्पल, मंदिर का दरवाज़ा भी बंद है, अंदर दिख रहा है, लेकिन उसमें ये तीन प्रतिमाएं जो मैंने बताई, राजा हरिश्चंद, रानी तारामती और उनके बेटे रोहित की प्रतिमा, ये हैं अंदर। अभी अंधेरा होने के कारण अंदर दिख नहीं पा रहा है, हमने कैमरे से दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन चूँकि प्रकाश नहीं है तो दृष्टिगोचर नहीं हो पा रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए इधर दाह संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। आगे ये लकड़ी लेके जा रहे हैं, जलाने में प्रयोग होगी। ये कुछ चिताएं जलती हुई दिख रही हैं और दूर माँ गंगा। और उस पार जो है टेंट सिटी लगभग तैयार हो चुकी है, उसमें टेंट्स लगे हैं, पर्यटक वहाँ के रह सकते हैं। और मकर संक्रांति पर इसका उद्घाटन हो जाएगा, बुकिंग चल रही है। विभिन्न प्रकार के जो अकोमोडेशन है उसमें, स्वीट भी हैं, रिलैक्स रूम भी हैं, वो चल रही है। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए मेरे चैनल शेखर ट्रैवल प्लस ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने पर जो घंटी का बटन है उसे ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए। वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हर हर महादेव।